देखो, नो नेटवर्क सॉल्यूशन हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सॉल्वेंट होता क्या है, ठीक है। सॉल्वेंट का क्लासिफिकेशन किस तरह से करते हैं, तो वो हमने लास्ट क्लास में कर लिया। तो क्लासिफिकेशन कितने टाइप का होता है, कौन कौन सा? सेकंड टॉपिक है हमारा आयनित विलायकों के सामान्य गुण। आयनित विलायकों के सामान्य गुण, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनाइजिंग सॉल्वेंट। ठीक है, आयनित में हमने क्या की थी, दो तरह की बातें की थी, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और एक परावैद्युतांक। परावैद्युतांक, इसको ही हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, और डाइपोल मोमेंट की, द्विध्रुव आघूर्ण की, ठीक है। तो यहां पर आयनित विलायकों का अगर हम करेक्टरिस्टिक लिख रहे हैं, तो पहला लिख लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परावैद्युतांक। ये क्या होता है कि अगर हमारे आयनित विलायक है, ठीक है, तो आयन का मतलब क्या है, आयनन का मतलब क्या है कि हमने आयन्स को सेपरेट किया। आयन को सेपरेट किया का मतलब एक पॉजिटिव चार्ज का आयन होगा, एक नेगेटिव चार्ज का आयन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक पॉजिटिव चार्ज का आयन है, एक नेगेटिव चार्ज का आयन है, इनके बीच में क्या लगता है, अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, आकर्षण का बल लगता है, ठीक है। ये आकर्षण का बल जो होता है वो कौन सा होता है, कूलाम्बिक फोर्स होता है, ठीक है। कूलाम्बिक फोर्स की यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, Q1 Q2। Q1 Q2 क्या है, आवेश एक आयन पे, और Q2 क्या है, आवेश दूसरे आयन पे। यानी एक पॉजिटिव वाला होगा, एक नेगेटिव वाला आवेश होगा, ठीक है। अपॉन उसके क्या होता है, दूरी का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फोर्स होता है, कूलाम्बिक फोर्स, ठीक है। इसी के बेस पर हम क्या बताते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बताते हैं, या परावैद्युतांक के मान को बताते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लो, आयनिक विलायकों में धनायनों और ऋणायनों के मध्य धनायनों इन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन इज कूलाम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आयनित विलायकों में धनायनों ऋणायनों के मध्य लगने वाला कूलाम्बिक आकर्षण बल होता है। ठीक है, ये जो कूलाम्बिक आकर्षण बल है, इसका फॉर्मूला होता है ये, और इसके अंदर क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है ये डी, ठीक है, जो क्या होता है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और ये जो डी है, यानी ये जो कांस्टेंट है, इसी को हम क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं, ठीक है। इसको लिख लो, हाँ, डी डी क्या है, कांस्टेंट है, जिसे परावैद्युतांक या डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये लिख लेना, ये एफ क्या है, कूलाम्बिक आकर्षण बल। Q1 और Q2 क्या है, Q1 मान लो धनायन पर आवेश, और Q2 मान लो ऋणायन पर आवेश, और R धनायन और ऋणायन के बीच की दूरी। D एक स्थिरांक है, एक कांस्टेंट है, जिसे परावैद्युतांक या डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट कहा जाता है। ठीक है,
अब इस रिलेशन से आपको क्या पता चलता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आकर्षण का बल है, वो परावैद्युतांक की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास परावैद्युतांक की वैल्यू ज्यादा है तो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो क्या होगा, दोनों आयन आसानी से सेपरेट हो जाएंगे। आसानी से सेपरेट होने का मतलब क्या है कि ये आयनित हो जाता है, ठीक है। मतलब परावैद्युतांक आयनित विलायकों के लिए इसका मान क्या होता है, उच्च होता है। परावैद्युतांक उच्च होने की वजह से फोर्स जो है दोनों आयनों के बीच में वो कम हो जाता है, और फोर्स कम होने की वजह से आयनित विलायक जो है वो आसानी से आयनित हो जाते हैं। यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है परावैद्युतांक फोर्स के, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। अगर डी की वैल्यू ज्यादा है तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। यानी आकर्षण का बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे कम होगा। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो आयनन उतना ही आसानी से होगा, आयनन क्या होगा, ज्यादा होगा। आयनाइजेशन यहाँ पर क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। इसलिए हमने आयनित विलायकों के अंदर ये लिखा था कि परावैद्युतांक का मान आयनित विलायकों के लिए उच्च होता है, ठीक है। एक चीज और लिख लो कि वैक्यूम के अंदर परावैद्युतांक का मान, निर्वात में परावैद्युतांक या डी की वैल्यू 1 होती है। निर्वात में परावैद्युतांक या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। ये हो गया, ये लिख लिया आपने कि अगर परावैद्युतांक का वैल्यू उच्च है, ज्यादा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, आयनन आसानी से होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखो, डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन आप, ठीक है। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जैसे आवेश का सेपरेशन जहां पे होता है, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, एक नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो टोटल आवेश और उसके बीच की दूरी को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो हमारा डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है। अब अगर हम आयनित विलायकों की बात करते हैं तो आयनित विलायकों के लिए क्या होना चाहिए, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू उच्च होनी चाहिए। उच्च का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास दो आयन है, एक पॉजिटिव चार्ज का, एक नेगेटिव चार्ज का, इसके बीच की डिस्टेंस है ये, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इसकी डिस्टेंस को कम कर रहे हैं, ठीक है। अगर डिस्टेंस को कम करेंगे तो क्या होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ये आसानी से सेपरेट नहीं होंगे, इनका आयनन आसानी से नहीं होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या रखनी है, ज्यादा रखनी है, ठीक है, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल अगर है तो उसका आवेश स्थिर रहेगा, सेम रहेगा, लेकिन अगर हमारी डिस्टेंस बढ़ती है, जैसे ये R1 R2 है, अगर R2 ज्यादा हो रही है, ठीक है, डिस्टेंस अगर बढ़ रही है तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। अगर डाइपोल मोमेंट की वैल्यू बढ़ती है तो ये आसानी से क्या हो जाता है, आयनाइज्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है किसकी, आयनित विलायकों की, ठीक है। तो आयनित विलायकों के अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और डाइपोल मोमेंट, इन दोनों की ही वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। इसको लिख लो, द्विध्रुव आघूर्ण, आयनों के आवेश, चार्ज ऑन आयंस और उनके मध्य की दूरी, के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें लिख लो, किसी अणु में यदि इन एनी मॉलिक्यूल ध्रुवण अधिक होता है, पोलराइजेशन अधिक होता है, ध्रुवण अधिक का मतलब क्या हुआ,
डिस्टेंस दो आयनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ता है तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि हमने सिंपल मल्टीप्लाई किया है, आवेश मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन द आयंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज्यादा होती है जब ध्रुवण ज्यादा होता है। तो इसमें ये लिखो, ध्रुवण अधिक होने पर, क्या लिखा आपने, ध्रुवण अधिक होने पर और आवेशों के मध्य की दूरी बढ़ने पर, आवेशों के मध्य की दूरी बढ़ने पर द्विध्रुव आघूर्ण का मान भी बढ़ता है, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू इंक्रीज होती है। ऑन इंक्रीजिंग चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन आयंस इंक्रीजेस द डाइपोल मोमेंट। अर्थात ध्रुवीय विलायकों का आयनन भी आसानी से होता है। इसका एक कारण यह भी है कि ध्रुवण बढ़ने पर विलेय को विलायक में घोलने के लिए सोल्यूट को सोलवेंट में सोल्यूबलाइज करने के लिए, विलेय को विलायक में घोलने के लिए विलायकन ऊर्जा अधिक मिलती है, सोल्वेशन एनर्जी अधिक मिलती है। सोल्वेशन एनर्जी क्या होती है? थर्ड पॉइंट है विस्कोसिटी, घनता। अब विस्कोसिटी क्या होती है? थर्ड टॉपिक है विस्कोसिटी। इसके अंदर लिखो, ऐसे विलायक जिनकी विस्कोसिटी कम होती है, श्यानता कम होती है, उसमें विलेय की विलेयता अधिक होती है, विलेय की विलेयता अधिक होती है। अर्थात यहां पर अवक्षेपण प्रेसिपिटेशन क्रिस्टलीकरण क्रिस्टलाइजेशन अवक्षेपण हाँ प्रेसिपिटेशन क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलीकरण फिल्ट्रेशन छानना आदि अभिक्रियाएं आसानी से होती है, जिन सोलवेंट की श्यानता कम होती है उनमें प्रेसिपिटेशन फिल्ट्रेशन और क्रिस्टलाइजेशन अवक्षेपण छानना और क्रिस्टलीकरण आसानी से किया जा सकता है, जबकि श्यानता अधिक होने पर विस्कोसिटी इंक्रीज होने पर ये अभिक्रियाएं या ये क्रियाएं आसानी से नहीं होती। ठीक है, एग्जांपल लिख लो कम श्यानता वाले, जैसे जल, द्रव अमोनिया, जिनकी श्यानता कम है उनके एग्जाम्पल है जल, विस्कोसिटी जिसकी लोअर है उसका एग्जाम्पल है वाटर, द्रव अमोनिया
और निम्न अणुभार वाले एल्कोहल, लोअर मोलिकुलर वेट एल्कोहल, लो मोलिकुलर वेट एल्कोहल, जिनके अणुभार कम हो, सिर्फ वो एल्कोहल किसमें आएंगे, जिसकी विस्कोसिटी कम होती है, और ज्यादा विस्कोसिटी वाले, उच्च अणुभार वाले एल्कोहल, हाई मोलिकुलर वेट एल्कोहल और निर्जलीय H2SO4, डिहाइड्रेटेड H2SO4। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, विद्युत चालकता। कोई भी मॉलिक्यूल विद्युत चालक है या नहीं है कैसे पता चलेगा? फोर्थ पॉइंट है आपका विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। ठीक है, इसमें लिखो, कुछ विलायकों में स्वतः आयनन होता है, ये विद्युत के सेल्फ आयनाइजेशन होता है, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। और इनमें अम्ल क्षार अभिक्रियाएं आसानी से होती है, एसिड बेस रिएक्शन इजीली होती है, बहुत आसानी से होती है। नेक्स्ट टॉपिक डालो, प्रोटॉन एफिनिटी या प्रोटॉन बंधुकता। प्रोटॉन बंधुकता, ये कल वाली क्लास में करेंगे। ठीक है, अब ये बताओ प्रोटॉन बंधुकता क्या होगी, प्रोटॉन एफिनिटी क्या होती है? देखो, प्रोटॉन एफिनिटी मिलेगी सिर्फ कौन से विलायक जो कि क्या हो, प्रोटोनेटेड हो, जिसके अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट हो। ठीक है, सिर्फ उनके अंदर होगी। अब प्रोटॉन बंधुकता का मतलब क्या है कि कोई मॉलिक्यूल प्रोटॉन के साथ यानी H+ के साथ कितनी आसानी से जुड़ता है। ठीक है, तो हम प्रोटॉन बंधुकता में सिर्फ बात करेंगे किसकी, प्रोटोनिक विलायकों की, और प्रोटॉन बंधुकता ज्यादा किसकी होगी, जो आसानी से H+ को लेता होगा या आसानी से बॉन्ड बनाता है H+ के साथ, तो उसकी प्रोटॉन बंधुकता उतनी ही ज्यादा होती है। ठीक है,